राज्य में विधानसभा सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवार 28 सितंबर से सत्र के शुरू होने की बात कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को विधानसभा की तरफ से प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश का कहना है कि 28 सितंबर से विधानसभा सत्र शुरू करना है, इसका कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। उनके अनुसार 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक का विधानसभा सत्र को लेकर कार्यक्रम तय है। सितंबर में प्रस्तावित विधानसभा सत्र को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव राकेश शर्मा उच्च अधिकारियों के साथ गैरसैंण पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन विधानसभा भवन के निर्माण का जायजा लिया और विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों और मंत्रियों के आवास की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। निर्माणदायी संस्था NBCC को भी निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। गैरसैंण में लाखों रुपए खर्च कर विधानसभा सत्र बुलाकर विपक्ष की आलोचना झेलने के बाद प्रदेश सरकार ने इस बार कम खर्च में विधानसभा का सत्र चलाने की मंशा जाहिर की है। सरकार ने भरीडा सैण में निर्माणाधीन विधानसभा भवन पर 24 कमरे विधायकों और मंत्रियों के साथ 3 अतिरिक्त कमरे मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के साथ विधानसभा अध्यक्ष को तैयार किए जाने के लिए निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया है। वहीं विधानसभा सदन के लिए भी इस बार टेंट के बजाय पॉलिटेक्निक कॉलेज के को प्रस्तावित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के ड्रीम प्रोजेक्ट दून मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को लेकर शासन और सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। देहरादून मेडिकल कॉलेज में सभी निर्माण कार्यों के लिए टाइम बाउंड दे दिया गया है। निर्माण कार्यों के लिए 114 करोड़ रुपए देने के लिए सैद्धांतिक सहमति भी बन गई है। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अभी तक निर्माण कार्य गति नहीं पकड़ पाया है, इसलिए इस साल MCI की मान्यता के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा। इस साल MCI की मान्यता के लिए देहरादून मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखकर स्टिंग ऑपरेशन की CD की मांग की है। CD ना देने पर FIR दर्ज करने की चेतावनी भी दी है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के इस पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं के पास चिट्ठी लिखने और घंटा घड़ियाल बजाने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। कांग्रेसी जनता को भ्रमित करने और मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बतौर तराई बीज विकास निगम अध्यक्ष TDC की बोर्ड बैठक ली। बैठक में उद्यान कृषि और तराई बीज विकास निगम के अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि राज्य में किसानों को अच्छा बीज TCD प्रदान करें, जिससे अच्छी पैदावार हो सके। केंद्रीय बीजेपी के निर्देश पर उत्तराखंड भाजपा इस रक्षाबंधन बहनों के लिए कुछ खास करने जा रही है। देहरादून महानगर कार्यालय में इस योजना को लेकर घोषणा की गई, जिसके तहत रक्षाबंधन से पहले बीजेपी के प्रदेश भर के तमाम कार्यकर्ता महिलाओं को प्रधानमंत्री बीमा योजना प्रदान करेंगे, जिसकी पहली किश्त भाजपा के नेता देंगे। भाजपा के महानगर अध्यक्ष नीलम सहगल और प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि बीजेपी के सभी मंडलों में इस कार्यक्रम को करने के निर्देश दिए गए। राज्य में स्टेट वॉर मेमोरियल बनाने के लिए सैनिक कल्याण विभाग ने जमीन तलाश कर ली है। पिछले 3 साल से लगातार इसके लिए जमीन तलाश की जा रही थी, लेकिन अब खुद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पहल करते हुए देहरादून की पुरानी जेल के पास स्टेट वॉर मेमोरियल के लिए जमीन देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है, जिसे मंजूरी भी मिल गई है। हरक सिंह रावत ने बताया कि हम चाहते हैं कि मेमोरियल का निर्माण देहरादून के केंद्र बिंदु में हो, जिससे लोग वहां जाकर श्रद्धांजलि भी शहीदों को दे सकें। बागेश्वर से विधायक चंदन राम दास ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को ललकारा है और उन्हें खुली बहस की चुनौती दी है। चंदन राम दास ने बागेश्वर के विकास के मामले में उपेक्षा का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग मांगों और समस्याओं का तात्कालिक ढंग से निराकरण नहीं होने के विरोध में 2 सितंबर को बीजेपी नगर एवं ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर 15 सितंबर को बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के समस्त पार्टी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना देंगे। रुड़की में लगने वाला तहसील दिवस पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। फरियादी तो दूर, अधिकारियों ने भी तहसील दिवस में पहुंचना मुनासिब नहीं समझा। आलम यह रहा कि फरियादियों के ना पहुंचने पर ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी रही। जब फरियादी नहीं पहुंचे तो अधिकारियों ने नींद की झपकी लेना ही ठीक समझा। बहरहाल अगर तहसील प्रशासन द्वारा तहसील दिवस का प्रचार प्रसार सही ढंग से किया होता, लोगों में उम्मीद जगी होती, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास शिकायतों की कमी नहीं है, वो जरूर यहाँ पर पहुंचते।
पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के करीब चंडाक के पास बनाए गए ट्रैकिंग रूट की जांच के आदेश दिए गए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने इस मामले की विस्तृत जांच जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जो एक दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। करीब 80 लाख की लागत से बनाए गए इस ट्रैकिंग रूट की गुणवत्ता पहले ही सवालों के घेरे में आ चुकी है। वहीं हाल ही में बनाए गए ट्रैकिंग रूट का भी हाल बेहाल है। आपको बता दें कि सोर घाटी पिथौरागढ़ में पर्यटन विकास के लिए इस ट्रैकिंग रूट का निर्माण पर्यटन विभाग की तरफ से कराया गया। बीजेपी विधायकों का कांग्रेस से संपर्क में होने की बात को बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हो चुकी है और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रही है। बीजेपी का कोई भी विधायक ना तो पार्टी से नाराज है और ना ही किसी अन्य पार्टी के संपर्क में है। एसटीएफ उत्तराखंड ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस को एक शिकायत मिली जिसमें पीड़ित ने बताया कि बीमा कंपनी की प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उससे लाखों रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का निकला। अक्षय गौर आंदोलन टिहरी में पौधारोपण किया गया। नई टिहरी स्थित डाइजर में मंत्री दिनेश धने ने देवदार के पौधे लगाए। अक्षय गौर आंदोलन के तहत नई टिहरी में बुरांस और देवदार के पौधे रोपे गए। इस मौके पर दिनेश धने ने अक्षय गौर आंदोलन की सराहना की, साथ ही कहा कि जिस तरह यहां बेटियों का लालन पालन किया जा रहा है उसी तरह वृक्षों की देखभाल और संरक्षण करेंगे तो पर्यावरण संतुलित होगा। रुद्रपुर में कांग्रेसियों और व्यापारियों ने दालों और सब्जियों के दामों में लगातार बेहिसाब बढ़ोतरी के विरोध में केंद्र सरकार को जमकर कोसा, साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही कांग्रेसियों और व्यापारियों ने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए स्टॉल लगाकर कम दामों में दाल और प्याज भी वितरित किए। कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अच्छे दिनों का सब्जबाग दिखाने वाली मोदी सरकार के राज में लोगों के लिए घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार माने जाने वाले पर्यटन उद्योग को झटका लगा है। दरअसल प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से चली आ रही एक दर्जन से ज्यादा पर्यटक सर्किट योजनाओं को केंद्र ने बंद कर दिया है। हालांकि मंत्री दिनेश धने का कहना है कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया है बल्कि दूसरी योजनाओं में शामिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि टिहरी झील मेगा सर्किट और नैनीताल टूरिस्ट सर्किट योजनाओं पर भले ही केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है, लेकिन इन सभी योजनाओं को स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी दूसरी योजनाओं में शामिल कर लिया गया है। राज्य में डेंगू के बढ़ते प्रकोप ने सरकार की नींद उड़ा दी है। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। अब तक अकेले देहरादून में ही 13 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है, जबकि एक बच्ची की डेंगू की वजह से मौत हो चुकी है। प्याज की आसमान छू रही कीमत और आम जनता सबसे ज्यादा इसका खामियाजा उठा रही है। ऐसे में देहरादून मंडी समिति के अध्यक्ष ने जिला पूर्ति अधिकारी के साथ बैठक कर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर सस्ते प्याज उपलब्ध कराने की बात कही है। देहरादून मंडी समिति लगातार जनता को राहत देने का काम कर रही है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। देहरादून स्थित शिमला बाईपास के प्रतीतपुर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश होने से खेतों में खड़ी फसल चौपट हो गई है। सड़कों और घरों में भी बरसात का पानी भर गया है। यही नहीं, गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली पुलिया के टूटने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जंगल के पास बहने वाले बरसाती नाले के किनारे गुज्जर बस्ती के लोगों में दहशत है। उन्हें डर है कि कहीं उनका आशियाना इस बरसात में ठहर जाए।